कल मेरी 10 साल की भतीजी का फोन आया था, मुझे अपने क्रश के बारे में बता रही थी। वैसे बचपन में हर किसी का कोई ना कोई क्रश जरूर होता है, चाहे बड़े होने पर वो हमें हमारी बेवकूफी लगे, लेकिन उस वक्त अपने क्रश से बढ़कर कोई नहीं लगता। वैसे मेरा भी एक क्रश था, मैं उसकी शक्ल पर नहीं उसकी आवाज पर मरमिटी थी। उसे तो मैंने आज तक नहीं देखा। एक्चुअली हुआ क्या था, मेरे 10th के बोर्ड एग्जाम्स थे। अब लखनऊ में मार्च में बहुत गर्मी हो जाती है, इसीलिए मैं लैंप लेकर छत पर पढ़ने चली जाती थी। अब आप तो जानते हैं कि लखनऊ में सभी मकानों की छत सटी सटी होती है। तो एक बार मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी कि 2-3 छत पर एक आवाज आई, ये डर अपने नहीं उधार के हैं। ये सुनते ही मैं चौंक गई। थोड़ी देर बाद फिर वही शेर सुनाई दिया। ऐसा लग रहा था मानो बोलने वाले का रिकॉर्ड वहीं अटक गया हो। शायद उसे शेर की आगे की लाइंस नहीं आती थी। 2-3 मिनट तक तो मैं भी चुप रही, फिर मैंने भी बोल ही दिया, ये डर अपने नहीं उधार के हैं। उधार की चीजों से डरना कैसा, लौटा देंगे कभी ना कभी। ये बोलते ही दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर एक आवाज आई, जी शुक्रिया, और फिर एक लंबी चुप्पी। हाय, क्या कशिश थी उस आवाज में। बस फिर तो मैं रोज रोज छत पर जाती पढ़ने नहीं, उस आवाज को सुनने। पर देखिए ना, उस दिन के बाद वो आवाज मुझे कभी नहीं सुनाई दी।